आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इनलैंड वाटरवेज से और कोस्टल ट्रैफिक से छोटे जो शिप्स हैं उसमें भारत और बांग्लादेश में हम लोग वाहतूक के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने एक एग्रीमेंट किया है। इससे भारतीय और बांग्लादेश के उद्योग और व्यापार जगत को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो चीजें बांग्लादेश में कमी है वो हिंदुस्तान से जाएगी, जैसे शक्कर का भाव हमारे यहाँ बहुत कम है, उनके यहाँ ज्यादा है, तो वहां के कंज्यूमर को सस्ती शक्कर मिलेगी। हमारे ऑरेंजेस, हमारे फ्रूट्स, हमारी टेक्नोलॉजी, अलग चीजें, वो भी वहां आसानी से जा सकेगी। और उनके देश से भी जैसे जूट की बनाई हुई चीजें होती है, बाकी बहुत सी चीजें, वो हमारे यहाँ भी आ सकेगी। तो दोनों देश के इकोनॉमी में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल किसी भी प्रोडक्ट में 30% कॉस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, और आपको पता ही है कि रोड रेलवे से ज्यादा कई गुना कम पानी के ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अब गंगा में हम लोग साहिबगंज में मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, और वहां से हम डायरेक्ट बांग्लादेश में माल भेज सकते हैं, हल्दिया से भेज सकते हैं। उसके साथ साथ इस एग्रीमेंट के कारण जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है त्रिपुरा का, हमको घूमकर जाना पड़ता था, अब हम लोग बांग्लादेश में डायरेक्ट वहां माल पहुंचा सकेंगे नॉर्थ ईस्ट में। इससे बांग्लादेश के भी उद्योग जगत में जो शिपिंग में काम करते उनके लिए भी रोजगार मिलेगा, हमारे देश में भी रोजगार बढ़ेगा, ट्रेड और बिजनेस में प्रगति होगी, विकास होगा, और एक नए पर्व की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई, और दोनों देशों ने सहयोग करने के बारे में जो निर्णय किया उसके अनुसार ही आज का एग्रीमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि हम दोनों देश विकसनशील देश हैं, हम विकास करना चाहते हैं, और भारत बांग्लादेश को विकास के बारे में सभी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का एग्रीमेंट बहुत हिस्टोरिकल है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए और बांग्लादेश के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि इससे हमारे ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होगी और सुविधा भी प्राप्त होगी। आपको पता ही होगा कि हमने इसी प्रकार से सिमलेस ट्रैफिक रोड में भी किया हुआ है। पहले हमको अगरतला से अगर कलकत्ता आना है तो 18 घंटे लगते थे, घूम कर आना पड़ता था। अब अगरतला से ढाका और ढाका से हम कलकत्ता 8 घंटे में जा सकते हैं। तो आज हमने रोड ट्रैफिक भी सिमलेस किया, हमारा इनलैंड वाटरवेज का ट्रैफिक भी सिमलेस हुआ, और उसके कारण आगे चलकर एक एग्रीमेंट है जिसकी भी चर्चा हो रही है कि हमारे क्रूज है, पैसेंजर शिप्स है, इसके बारे में भी हम लोग आगे भी क्या कर सकते हैं वो भी सोच रहे हैं, और शिपिंग और पोर्ट के सेक्टर में भी आगे हम किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं इसकी भी चर्चा हुई है। विशेष रूप से बांग्लादेश के जो सचिव है जो शिपिंग के हैं, उन्होंने इसमें बहुत इनिशिएटिव लिया है और उन्हीं ने लगातार इसका फॉलोअप किया है। मैं बांग्लादेश के शिपिंग सेक्रेटरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, उनके डेलीगेशन को भी धन्यवाद देता हूँ, और दोनों देश के बीच में ये सहयोग दोनों देश के विकास के लिए और नए रोजगार निर्माण करने के लिए और उद्योग और व्यापार जगत में नए प्रोत्साहन देने के लिए उपयोगी साबित होगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आगे भी ये सहकार्य, उसकी बातचीत आगे चलती रहेगी, आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक बात होगी, और जो पुराने हमारे संबंध थे उसी प्रकार से डायरेक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश के साथ प्रस्तापित होंगे, और जिसका भविष्य में दोनों देशों को बहुत बहुत उपयोग होगा।